आज मैं आपके लिए हरी मिर्च की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो मार्केट में मोटी वाली बड़ी वाली मिर्च होती है वही लिया है। ये 250 ग्राम है, यानी कि एक पाव। और इसको अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है और बीज से हम इसे इस तरह से कट लगा देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ बीज भी है, तो बीज को हमें नहीं निकालना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीज नहीं है, थोड़ा ही है। और फ्रेंड्स, अगर इसका डंठल ख़राब है तो आप डंठल भी कट करके निकाल सकते हैं, अगर अच्छा है तो आप मत निकालिएगा। मार्केट में ये मिर्च बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सारे मिर्च के बीच से हमें इसी तरह से कट कर देना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए झटपट से हम अपना दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको थोड़े मोटे मोटे में कट कर दिया है। डाल देंगे 4 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम मिर्च की ही रेसिपी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। 10-12 लहसुन की कली डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम दूसरा पैन रखेंगे गरम होने के लिए। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मूंगफली लिया है, तो चलाते हुए लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो लो फ्लेम पे फ्रेंड्स हमें तब तक भूनना है जब तक इसका छिलका अलग ना होने लगे। तो ये देखिए, मैश करने से बिल्कुल इसका छिलका अलग हो जा रहा है। तो इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और मूंगफली को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, फिर हम पैन रखेंगे गरम होने के लिए और एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें मिर्च को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये 70-75% तक कुक हो जाए। और जो आपको हरा दिखे जहाँ पर, उसे पलट के आप अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राई हो चुका है। तो इसको भी हम किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और मूंगफली का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो भी गरम मसाला खाने में यूज करते हैं आप डाल सकते हैं। 1 पिंच हम आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप आमचूर पाउडर और भी बढ़ा के डाल सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो हमने जो मिर्च फ्राई करके रखा था इसमें हमको भर देना है मसालों को अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से भरना है हमें। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, आप उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे मिर्च में मसाला भर के तैयार कर देना है और 2 चम्मच मसाला हमें बचा भी लेना है। तो ये देखिए, मैंने भर दिया है और मसाला भी 2 चम्मच बचा दिया है। और अब हम चलेंगे रिटर्न उसी पैन के पास जिसमें हमने मिर्च को फ्राई किया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच मेथी के दाने, 1 पिंच हम हींग ऐड कर देंगे। 1/2 मिनट हम इसको ऐसे ही चटकने देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम ऐड कर देंगे जो हमने मसाला बचा के रखा था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया था। तो मसालों को डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1 पिंच हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चलाते हुए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने उसी कटोरी से पानी डाला है जिसमें मैंने मसालों को रखा था। और इसके बाद हम इसमें मिर्च भी इस तरह से डाल देंगे। मिर्च डालने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ढकने से फ्रेंड्स, ये जो 25% कच्चा था वो अच्छी तरह से पक जाएगा। आप इसे खुले में भी पका सकते हैं, खुले में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 मिनट पका लिया है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतनी ग्रेवी है, तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और मेरी फैमिली के हिसाब से फ्रेंड्स, मुझको ग्रेवी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको ढक के 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फिर से पकाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट तक पका लिया है और बहुत ही जल्दी इसकी ग्रेवी सूखती है, तो आपको पकाते समय इसका ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी हरी मिर्च की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। आप पराठा के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है, तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है और भी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आकृति की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।